उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, ये तीन ऐसे स्टेट्स जहां पर स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग होती है उसमें 2023 में किस रैंक पर डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ था, 2024 में जब स्टेट काउंसलिंग होगी तो ऐसे में डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी कैंडिडेट्स के अपनी कैटेगरी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए मिनिमम किस रैंक और मार्क्स पर एडमिशन हो सकता है। कट ऑफ की डिटेल इन तीन स्टेट्स की एक्सपेक्टेड 2024 की स्टेट काउंसिलिंग के थ्रू जो एडमिशन होगा उसके बारे में छोटे से वीडियो में हम तीनों स्टेट्स के बारे में आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं 2024 का स्टेट काउंसिलिंग के थ्रू। आप मेडिकविंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। तो गाइस हम लोग बात करेंगे इन तीनों ही स्टेट्स में, जैसे कि यूपी, एमपी एंड यूके, मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में। इन तीनों स्टेट्स में अगर हम कट ऑफ की बात करें तो पिछले साल का जो कट ऑफ था पहले वो ट्रेंड देख लेते हैं और उसके बाद जो इस ईयर में होगा एक्सपेक्टेड राइट वो हम आपको स्लाइड के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे राइट कि क्या कट ऑफ हो सकता है। अभी अगर आप देखेंगे स्टेट वाइज, उत्तर प्रदेश में 2023 में जो कट ऑफ गया था वो जनरल कैटेगरी के लिए स्टेट कोटा में 21,215 पर क्लोज हुआ था, मार्क था 615। अगर हम इस बात पे ये करें कि 2024 में क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, तो गाइस ये जो रैंक यहाँ पर मेंशन है 23,000 ये यहाँ पर मेंशन जरूर है, लेकिन अगर हम देखेंगे कि जो सीट्स इंक्रीज हुई है डिफरेंट कॉलेजेस में, यूपी के कॉलेजेस में सीट्स इंक्रीज हुई हैं और जिसकी वजह से कट ऑफ पर थोड़ा सा असर जरूर पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम जनरल कैटेगरीज के स्टूडेंट्स की बात करें तो इसको आप 23 की जगह अगर हम यहाँ पर ये मान के चले कि 24 से लेके 25,000 के आसपास ये जनरल कैटेगरी का रह सकता है। और अगर हम मार्क्स की बात करेंगे तो मार्क्स यहाँ पर क्योंकि सीट बढ़ी है और सीट बढ़ने के बाद नो डाउट कि यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स का फायदा होगा स्टेट कोटा में। तो ऐसे केस में ये जो मार्क्स हैं ये 651 से 652 के बीच में रह सकता है अगर हम स्टेट कोटा की बात करें उत्तर प्रदेश में राइट। तो जनरल कैटेगरी के लिए ये 24 से 25,000 के आसपास क्योंकि नई सीट ऐड हुई है और ऐसे केस में यहाँ पर जो मार्क्स हो सकता है वो 651 से 652 के बीच में रह सकता है जनरल कैटेगरी में। वहीं पर अगर हम बात ये करेंगे कि जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए पिछली बार जो 22,843 पर था राइट और 611 मार्क थे, इस बार ये हो सकता है 652 के आसपास 25,000 रैंक पर, और ईडब्ल्यूएस के लिए 25,000 रैंक पर क्लोज हो सकता है राइट और ऐसे में 652 मार्क्स। एससी और एसटी कैंडिडेट्स की अगर हम यूपी में बात करें तो एससी कैंडिडेट्स के लिए 1,60,000 के आसपास क्लोजिंग रैंक जा सकती है और यहाँ पर मार्क्स जो होगा स्टूडेंट को वो 532 होगा, हालांकि पिछले साल ये 459 नंबर पर क्लोज हुआ था। वहीं पर यूपी में स्टेट एसटी कैंडिडेट्स के लिए 6 लाख के आसपास हो सकता है 305 मार्क्स, इस बार 6 लाख के आसपास जो रैंक है उसमें 305 नंबर है, पिछली बार ये क्लोज हुआ था 549,732 पर, 250 मार्क्स थे। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मिनिमम अगर क्वालिफाइड है तो भी उनको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, चाहे वो एमपी से हो या फिर यूपी से हो या फिर आपका उत्तराखंड से हो। अब हम नेक्स्ट स्टेट की बात करेंगे और नेक्स्ट स्टेट में हम लोग बात करते हैं एमपी। एमपी में स्टेट कोटा में इस बार जो 2024 में एक्सपेक्टेड है, यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है कि 2023 में क्या था और एक्सपेक्टेड रैंक मार्क्स क्या हो सकता है 2024 में। 2023 में 54,000 पर था, 60,000 पे के आसपास क्लोज हो सकता है क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में नई सीट ऐड हुई है, नो डाउट बच्चे वहां पर शिफ्ट करेंगे राइट, और न्यू कॉलेजेस की जो सीट्स इंक्रीज हो रही है या फिर नए कॉलेजेस आ रहे हैं उसकी वजह से ये रैंक थोड़ा सा शिफ्ट हो सकता है 60K के आसपास। वहीं पर अगर हम बात करें कि मार्क्स कितने होंगे तो 615, ओबीसी के लिए 62 और ये जा सकता है 614 के आसपास। एससी कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो ये 1,80,000 के आसपास एससी कैंडिडेट्स एमपी में 518 नंबर पर, और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 350,000 यानी कि 3,50,000 के आसपास 412 नंबर पर। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अगेन अगर क्वालिफाइड है तो फिर उनका हो जाएगा। वहीं पर उत्तराखंड स्टेट्स की अगर हम बात करें बहुत ही कम कट ऑफ जाता है उत्तराखंड स्टेट में स्टेट स्टूडेंट्स के लिए, देन पिछली बार जो ये 39,068 पे था इस बार रैंक का जो शफल हुआ है प्लस नंबर ऑफ अगर हम मेरिट लिस्ट देखें डिफरेंट स्टेट्स के जिसको की मैच कराया है मेडिकविंग की टीम ने, डिफरेंट जो सेंटर वाइज रिजल्ट जारी किए गए थे एनटीए की ओर से उसमें भी हम लोगों ने एनालिसिस करी है और स्टेट टू स्टेट जहां पर थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है उससे अगर हम देखें तो उत्तराखंड में करीब 44,000 के आसपास और मार्क्स होगा 631 जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ओबीसी के लिए ये 625 के आसपास रह सकता है 50,000 रैंक पर, और एससी कैंडिडेट के लिए ये अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए 622 रह सकता है 53,000 रैंक के आसपास, 2,20,490 एससी कैंडिडेट्स के लिए, और एसटी के लिए
467 नंबर पर 255,000 के आसपास क्लोजिंग हो सकती है अगर हम उत्तराखंड स्टेट्स की बात करेंगे। डिफरेंट स्टेट्स का जो कट ऑफ पूरी स्लाइड में आप एक बार देख सकते हैं, राइट, अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको नोट कर सकते हैं। यूपी में जो यहां पर 23,000 लिखा है, ये थोड़ा सा डाउन होके 24,000 से 25,000 के बीच में रह सकता है, और उस रैंक के ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं नो डाउट आप सेफ रहेंगे। ये तीन स्टेट की कट ऑफ हमने आप लोगों के साथ डिस्कस करी। नेक्स्ट के वीडियो में जो दूसरे स्टेट्स हैं लाइक दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, और जो साउथ के स्टेट्स हैं केरला, कर्नाटका, जहां पर प्राइवेट में आप लोग अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके बारे में कंप्लीट डिटेल वन बाय वन हम लोग शेयर करते रहेंगे नेक्स्ट के वीडियोस में। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिट कमिंग, थैंक्स अ लॉट।